पारस बंदला द्वारा कोतवाल थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ लोगों द्वारा हवाई फायरिंग की गई है और साथ में वह अन्य हथियार भी अपने साथ लिए हुए थे। ये पूरी घटना पीजी कॉलेज के बाहर मेन रोड पर की गई है, जिसके चलते शहर में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि आरोपी द्वारा दिन दहाड़े हवाई फायरिंग की जा रही है। युवक द्वारा बताया गया कि प्रिंस आर्यन ने उसका पुराना विवाद चल रहा था, जिसकी वह रिपोर्ट कर दर्ज करा चुका है, और प्रिंस आर्यन उन लोगों के साथी जिसके द्वारा यह घटना की गई है। टीकमगढ़ सुबोध पाठक की रिपोर्ट। युवक के ऊपर कुछ लोगों ने फायर किया है, सर क्या पूरा मामला है? मैं आपको बताना चाहेंगे कि पारस बंदेला सनाब नारायण सिंह बंदेला जो मूलतः ग्राम काठी थाना मोहनगढ़ के रहने वाले हैं, अभी भटनागर कॉलोनी टीकमगढ़ में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज इनका कॉलेज में पेपर था, पेपर ख़त्म होने के करीब 15 मिनट पहले, चूँकि इनका पेपर जल्दी ख़त्म हो गया तो जो बाहर निकले और अपनी मोटरसाइकिल से घर जाने की तैयारी में थे, तभी रास्ते में आके इन्हें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा रोका गया और फिर विवाह थोड़ा सा पुरानी बुराई चल रही थी। ऐसे करके 4-5 लोगों ने इनके साथ में काफ़ी मारपीट की है और इनके ऊपर देसी कट्टे से फायर किया है जान से मारने के लिए। ऐसे इनके द्वारा थाने में आके आवेदन पत्र दिया गया था, इसकी हमने घटनास्थल से तस्दीक करवाई। तस्दीक में घटनास्थल के आसपास के मौजूद दुकानदार, आम लोग और अपने मीडिया के लोगों ने बताया कि घटना वास्तविक है और जो पारस मुंडेला करके व्यक्ति है ये बाल बाल बच गया है। जो थाना कोतवाली में आरोपी धारा 307 के तहत हमने मामला पंजीबद्ध किया है। सर कितने लोगों के ऊपर सर